हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम बुक 3D इमेज क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा एडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन है और यहाँ पे एक 3D बुक डिज़ाइन किया गया है और जिसमें एक फ़ोटो को लगाया गया है। तो सेम इसी तरीके हम एक 3D बुक इमेज डिज़ाइन करना सिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फ़ोटोज़ को हम कट कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम एक फ़ाइल पे जाएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट्स लेंगे। यहाँ इसकी विड्थ लेंगे 1080 एंड इसकी हाइट लेंगे हम 800, रेजोल्यूशन हम 72 रखेंगे। यहाँ से हम इसको ओके कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल की तरफ जाएंगे और एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पे हम ड्रा करेंगे रेक्टेंगल टूल। ये ड्रा होने के बाद हम कंट्रोल टी करेंगे एंड उसके बाद हम आल्ट प्रेस करेंगे और इसका जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम नीचे करेंगे। तो जैसे नीचे करेंगे वो इस तरीके का शेप बन जाएगा। हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे एंड मूव टूल की तरफ जाएंगे। इस शेप को थोड़ा ऊपर हम मूव कर देंगे। उसके बाद हम इसका कलर चेंज करना है हमें, तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे कलर हम चेंज कर देंगे। तो चलिए मैं ये कलर ले लेता हूँ, ओके। और उसके बाद इस पे जाएंगे हम एंड डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक दो का रखेंगे इनसाइड और कलर हम इसका डार्क ब्लू ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं और ये हमारा अगर जूम करेंगे दिख रहा होगा आपका बॉर्डर, अब दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस के एक डुप्लीकेट लेयर इसका बना लेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्म और उसके बाद अपने कीबोर्ड के एरो बटन को, लेफ़्ट बटन को 2-3 बार प्रेस करेंगे। उसके बाद एरोस के डाउन बटन को हम 2-3 बार प्रेस करेंगे। उसके बाद हम जूम करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि इस टाइप का शेप आपको क्रिएट हो गया है। इस टाइप का शेप क्रिएट होने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट एक साथ प्रेस करना है और टी यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल हमारे कीबोर्ड में रहता है टी, उसको प्रेस करना है हमें। और हम प्रेस करते जाएंगे तो हमारा ये 3D बुक डिज़ाइन हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं डिज़ाइन होने के बाद। उसके बाद हम एक न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर पे आएंगे और यहाँ पे हम पेन टूल लेंगे। पेन टूल पे हम यहाँ पे पाथ पे आएंगे और यहाँ पे हम एक पाथ बनाएंगे। यहाँ क्लिक किया हमने और यहाँ क्लिक करेंगे तो आप अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किए रहिएगा, होल्ड किए रहिएगा और अपना कर्सर आप बढ़ाइएगा। तो इस तरीके का शेप आपको डिज़ाइन कर लेना है। उसके बाद यहीं रहते हुए आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे स्ट्रोक लगाना है। तो स्ट्रोक लगाने से पहले एक काम करना है आपको कि यहाँ वाला जो हमारा ये हैंडल है उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आल्ट प्रेस किए रहना और अपने माउस को क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है इसी पर रहते हुए और स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टूल पे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे पर आपको यहाँ पे ब्रश टूल इस्तेमाल करना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्रश का साइज़ काफ़ी बड़ा था तो हम कंट्रोल जेड करते हैं और ब्रश पे जाते हैं एंड ब्रश को हम यहाँ पे 3 पर रखते हैं एंड उसके बाद हम अपने पेन टूल पे आएंगे फिर से यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ पे ब्रश टूल पे ओके कर देंगे। तो ये हमारा बन गया है एक बाइंडिंग और यहाँ पे फिर राइट क्लिक करेंगे और पाथ को हम डिलीट कर देंगे। फिर हम ब्रश टूल की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पे ब्रश टूल लेंगे हम 9 का और ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पे 9 थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, चलिए हम 13 का लिया और यहाँ पे हम और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं हम, चलिए एयर 19 का लिया और यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा बाइंडिंग बन गया है। और उसके बाद क्या करना है हमें,
मूव टूल को सिलेक्ट करना है एंड आल्ट दबाना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है हमें। अब बनाते जाना है, ये हमारा बुक डिज़ाइन हो रहा है। इसको नीचे आएंगे हम, इसका डुप्लीकेट हम बनाते चले जाएंगे। ये होने के बाद उसके बाद हमें आना है, तो इसको हम जूम कम कर देते हैं। उसके बाद फाइल पे आना है हमें, एक हमें फ़ोटो लेना है यहाँ पे, यहाँ से एक फ़ोटो लेंगे हम और इस फ़ोटो को यहाँ पे हम मूव करेंगे एंड कंट्रोल टी से इसको फ़ोटो को हम छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद उसके बाद अपने आप कीबोर्ड पे अब कंट्रोल प्रेस करिए तो आपका कर्सर इस टाइप का बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ला के आपको इसको फिट कर देना है और इसको भी इस शेप में हमें फिट कर देना है, इसको भी इस शेप में हमको फिट कर देना है। फिट करने के बाद हमें इंटर प्रेस करना है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा ये जो बाइंडिंग हमने किया था और उसके दो पीछे चला गया है, तो हम इस लेयर को नीचे आ जाए ले आएंगे। जैसे ले आएंगे देखिए आपको ये शो होने लगा है हमारा, ये हम नीचे ले आएंगे। तो हमारा ये शो होने लगा है। अब ये हमारा 3D बुक डिज़ाइन हो गया है। उसमें थोड़ा हमें वर्क करना है, उसके लिए क्या करना रहेगा हमें, अब आप देखें कि अगर हम इसको यहाँ से मूव करना चाहें तो ये फ़ोटो हमारी मूव होगी सिर्फ, और पर हमें बुक को मूव करना है तो उसके लिए हमें लेयर पे रहना है, ठीक है, इस वाली लेयर पे रहना है हमें, इस वाली लेयर पे रहना है और हमें क्या करना है कि ऊपर से लेके हमें इसको लॉक कर देना है, हमें इसको लॉक करना है। उसके बाद इसको देखो अगर हम मूव करेंगे तो ये हमारा मूव हो जाएगा, जहाँ मूव करना चाहेंगे वहाँ ये मूव हो जाएगा। अब उसके बाद हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको जैसे चाहेंगे हम इसको मूव करा सकते हैं। इसी शेप पे हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको हम ड्रॉप शेडो देंगे, ड्रॉप शेडो यहाँ डिस्टेंस हम ओपासिटी हम 100% रखते हैं और इसका डिस्टेंस हम ये बढ़ा देते हैं, स्पीड थोड़ा स्पीड नहीं करेंगे हम और यहाँ पे साइज़ ये हल्का सा ये दे देंगे हम। तो ये हमारा ड्रॉप शेडो बन गया है और ये जो हमारा 3D बुक डिज़ाइन था वो बन के तैयार है। दोस्तों अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिजॉल्व कर सकूं आपकी प्रॉब्लम को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।